लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बॉलीवुड की सबसे क्यूट एक्ट्रेसेस में शुमार एक्ट्रेस अमृता राव आज इंडस्ट्री से दूर हैं। इश्क-विश्क से डेब्यू, इसके बाद विवाह, मैं हूं ना जैसी शानदार फिल्मों में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा चुकी अमृता आज भले ही इंडस्ट्री से दूर हों, लेकिन यूं तो अमृता हमेशा से के कंट्रोवर्सी से दूर रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जहां कोई शख्स मशहूर होता है वहीं से विवाद उसके साथ जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही अमृता के साथ हुआ, तो आइए आज उनसे जुड़ी खास बातें आपको बताते हैं। सूरज बड़जात्या की फिल्म विवाह अमृता के लिए बेहद खास फिल्म थी। इस फिल्म ने उन्हें काफी मशहूर कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म में काम करने के लिए अमृता राव को 4 घंटे का इंटरव्यू देना पड़ा था। उस दौरान सूरज जी ने उन्हें मुंशी प्रेमचंद की एक किताब पढ़ने के लिए कहा था। दरअसल वह अमृता की हिंदी चेक करना चाहते थे। फिल्म प्यारे मोहन के दौरान अमृता राव ने फिल्म के डायरेक्टर और क्रू मेंबर्स के सामने ईशा देओल को गाली दे दी थी, जिसके बाद ईशा को गुस्सा आ गया था और उन्होंने अमृता की पिटाई कर दी थी। सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो के लिए भी अमृता राव को सूरज बड़जात्या ने ऑफर दिया था, लेकिन इस फिल्म में काम करने से अमृता ने मना कर दिया था। दरअसल उन्हें सलमान की हीरोइन नहीं बल्कि उनकी बहन का रोल ऑफर हुआ था, इसी कारण उन्होंने इस किरदार के लिए इनकार कर दिया।